गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था मोलर मास, उसके पहले एटॉमिक मास, देन एवरेज एटॉमिक मास, एंड लास्ट टॉपिक था कल का मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर वेट। नाउ वी डिस्कस्ड अबाउट, that is the last topic of this chapter, important mole concept and molar mass. What is mole concept? इसके पहले आपने पढ़ा था in measurement of different properties, different units जो use करते उसमें, एक था unit जैसे length के लिए meter या mass के लिए kilogram, kg. Similarly, for amount of substance, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए एक यूनिट जो यूज किया था नंबर ऑफ मोल्स, या जो यूनिट नेम ऑफ दैट यूनिट इज मोल, और उसका जो रिप्रेजेंटेशन है सिंबल है MOLE नेम ऑफ यूनिट, एंड जो सिंबल है MOL मोल। तो इसके बारे में डिस्कस करना है मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलर मास इन दैट फर्स्ट मोल। अब ये मोल का एक्चुअली मतलब क्या होता है, कब ये यूनिट यूज करना है, एक्सप्रेसिंग द लार्ज काउंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कोई भी ऑब्जेक्ट से लार्ज नंबर में एक्सप्रेस करना है, दैट मेड इजी बाय यूजिंग क्वांटिटेटिव ऑब्जेक्टिव, यानी वो इजी बनाने के लिए कोई भी एक अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट में, अगर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है, तो इसके लिए आपको जो यूज करना है क्वांटिटेटिव ऑब्जेक्टिव, जैसे एग्जांपल, जैसे फॉर एक्सप्रेसिंग लार्ज अमाउंट, एक अब सिंपल यूनिट जैसे वन डजन। अब एक डजन का मतलब क्या होता, वन डजन उसमें अमाउंट, नंबर ऑफ आइटम्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने, आप सबको पता है एक डजन का मतलब उसमें 12 आ जाते हैं, कुछ भी लेना है एक डजन दे दो, एक डजन का मतलब उसमें एक में 12 आ जाते हैं। तो वैसे अब एक बोले तो एक तो नहीं ले सकते, तो लार्ज नंबर में जब एक साथ कंडेंस करना है, तब जब यूनिट यूज किया जाता है उसी के टाइम, व्हेन द स्मॉल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेन लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल, वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अब इसमें स्पेशली केमिस्ट्री में जो एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं या आयंस होते हैं, तो वो एक्सप्रेस करने के लिए, मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो दैट एक्सप्रेस बाय यूजिंग, यहाँ पे जो क्वांटिटेटिव ऑब्जेक्टिव, क्वांटिटेटिव ऑब्जेक्टिव यूज करना है, एंड दैट इज कॉल्ड एज द मोल। तो उसके लिए आपको जो टर्म यूज करना है जनरली फॉर एक्सप्रेसिंग द माइक्रोस्कोपिक या सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स प्रेजेंट in that compound, in that substance, and the particles present are very large amount, मतलब smaller particles है, बहुत छोटे छोटे particles होते हैं, लेकिन that उनका number जो बहुत ज्यादा होता है, and that expressed by using the mole, तो actually one mole का मतलब क्या होता है, one mole हर बार आपको आगे जब भी पढ़ना है, तो या जब भी कभी reactions वगैरह लिखे होते हैं, जैसे Cl2 plus H2, जब भी ये रिएक्शन आपको थेरोटिकली पढ़ना है, तो आप ऐसे कभी नहीं पढ़ोगे, याद रखो, जनरली आदत होती है Cl2 के मॉलिक्यूल से रिएक्शन में आपको कितने दिख रहे हैं, तो आप डायरेक्ट बोल देते हैं एक मॉलिक्यूल Cl2 का है, एक मॉलिक्यूल H2 का है, दो मॉलिक्यूल HCl के, बट एक्चुअली इट इज नॉट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, बट एक्चुअली दिस वन इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट मॉलिक्यूल, नॉट नंबर, ये नंबर नहीं होते, नंबर ऑफ मोल्स होते, तो आप ये रिएक्शन कैसे पढ़ोगे, वन मोल ऑफ Cl2 गैस कंबाइन विद वन मोल ऑफ H2 गैस एंड फॉर्म टू मोल ऑफ HCl गैस। तो यहाँ पे जो ये दो लिखा है या कोएफिशिएंट होता है, कोई भी रिएक्शन इसके बाद भी याद रखो परमानेंट, ये जो कोएफिशिएंट लिखा होता है दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स एंड नॉट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, यहाँ पे दो HCl के मॉलिक्यूल्स नहीं है, दैट इज द टू मोल्स ऑफ HCl। अब एक मोल की वैल्यू क्या है एग्जैक्टली पता चलेगा बाद में उसके डेफिनेशन के बाद, लेकिन जब भी कभी कोई रिएक्शन होता है, या ये रिएक्शन देख लो आयनिक रिएक्शन, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, सोडियम अगर इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, तो आप ये नहीं बोलेंगे ये रिएक्शन में आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स लॉस कर रहा सोडियम, दैट इज नॉट द वन इलेक्ट्रॉन,
दैट इज वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो ये रिएक्शन कैसे पढ़ेंगे, व्हेन वन मोल ऑफ सोडियम अंडरगोज आयनाइजेशन, अगर एक मोल सोडियम का आयनाइजेशन होता है तो एक मोल एन ए पॉजिटिव आयन फॉर्म होते हैं और एक मोल वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर फॉर्म. तो परमानेंट ये याद रखो बात, जब भी कभी कोई भी केमिकल रिएक्शन लिखा होता है तो वो इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स एंड नॉट दैट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. तो ये याद रखो एक पॉइंट. तो एक्चुअली एक मोल की वैल्यू क्या होती है और ये उसकी डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज मोल. वन मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कितना उसमें अमाउंट सब्सटेंस का होता है. वन मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन एज मेनी पार्टिकल एज देयर आर एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ C12 कार्बन, जो स्टैंडर्ड कार्बन जो लिया था, कार्बन मतलब एटॉमिक वेट कार्बन का 12 आइसोटोप, तो स्वीट C12 कार्बन मतलब 12 ग्राम, उसका वेट कितना होता है 12 ग्राम. 12 ग्राम कार्बन में जितने एटम्स होते हैं तो उसका स्टैंडर्ड लिया है 12 ग्राम कार्बन बोलो. अगर हाइड्रोजन का लो गया तो हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट है 1, मतलब 1 ग्राम हाइड्रोजन में जितने एटम्स रहेंगे. या कार्बन है, कार्बन नहीं नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट कितना है 14 है, तो 14 ग्राम नाइट्रोजन में कितने नाइट्रोजन के एटम्स हैं. तो स्टेट्स इसका स्टैंडर्ड लिया इसलिए मैं कार्बन का बोल रहा, तो मतलब क्या है उसमें कितने एटम्स रहे. तो मोल, वन मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन एज मेनी पार्टिकल एज देर आर द एटम्स इन, देर आर द एटम्स इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ C12 कार्बन आइसोटोप. एक C12 कार्बन आइसोटोप के 12 ग्राम कार्बन में जितने एटम्स रहेंगे, जितने पार्टिकल्स रहेंगे, दैट नंबर ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड एज द वन मोल. कोई भी सब्सटेंस का जितना उसका एटॉमिक वेट बोलो या मॉलिक्यूलर वेट बोलो, उतने वेट में जितने एटम्स आएंगे, कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं वो बाद में कैलकुलेट करेंगे. एक एक मोल की वैल्यू कितनी होती है, जितना उसका मॉलिक्यूलर वेट है उतना ग्राम. ये पॉइंट याद रखो, जितना उसका मॉलिक्यूलर वेट या एटम होगा तो एटॉमिक वेट होता है उतना ग्राम, और उसमें जो स्टैंडर्ड एटम कितने हैं ये भी कैलकुलेट करेंगे. तो लेकिन ये डेफिनेशन याद रखो, द वन मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन एज मेनी पार्टिकल एज देयर आर द एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ C12 कार्बन एटम, या 35.5 ग्राम ऑफ Cl. Cl का एटॉमिक वेट कितना है 35.5. या दूसरा एग्जांपल लोगे तो सोडियम का एटॉमिक वेट, सोडियम एटॉमिक वेट कितना है 23 ग्राम. तो 23 ग्राम सोडियम में जितने एटम्स रहेंगे उतने नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू वन मोल. तो यह है डेफिनेशन, दैट इज फिर से एक बार, वन मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन एज मेनी पार्टिकल एज देर आर द एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ C12 कार्बन आइसोटोप इज कॉल्ड एज द मोल, या वन मोल की वैल्यू, या उसका और करेक्ट मीनिंग वन मोल कार्बन के, कार्बन एक मोल कार्बन में कितने एटम्स होते हैं वो अगर कैलकुलेट करना है तो कैसे. टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन, और 12 ग्राम कार्बन का मतलब वन मोल कैसे होता है, तो 12 ग्राम कार्बन में कितने एटम्स मिलेंगे आपको ये कैलकुलेट करना है. 12 ग्राम कार्बन में कार्बन के वो एलिमेंट है उसमें कितने एटम्स आ जाएंगे. देखो मास ऑफ वन कार्बन, एक कार्बन का मास है, एक कार्बन एटम का मास है 1.99 into 10 to the power minus 23 ग्राम. एक कार्बन एटम का वेट, मास ऑफ वन कार्बन एटम, मास ऑफ सी, देन मास ऑफ वन मोल ऑफ कार्बन, मतलब एक मोल कार्बन का मास ऑफ वन मोल ऑफ सी इज इक्वल टू 12 ग्राम, यानी एक पूरे मोल का वेट कितना होता है 12 ग्राम. टोटल वेट 12 ग्राम है. अब इसमें पार्टिकल्स कितने आएंगे, अब इसमें जितने भी एटम्स प्रेजेंट है हर एटम का वेट कितना इतना है, अगर उसमें कितने एटम्स प्रेजेंट है, अगर एक टोटल वेट कितना आ रहा है 12 ग्राम, उसमें जितने भी पार्टिकल्स है 12 ग्राम में हर पार्टिकल मतलब हर कार्बन एटम का वेट कितना रहा 1.99 into 10^-23 ग्राम एक एटम का वेट है. अब उसमें कितने एटम्स हो गए, जैसे
32 ग्राम ऑक्सीजन का मॉलिकुलर वेट है, उसमें कितने एटम्स है और एक एटम का वेट कितना है 16 ग्राम ऑक्सीजन में। एक मॉलिक्यूल में O2 के 32 एटम्स प्रेजेंट होते हैं। अब एक एटम का वेट 16 है तो कितने उसमें ऑक्सीजन में कितने एटम्स होंगे, क्या करोगे आप 32 डिवाइड बाय 16, आंसर कितना है 2। तो कितने एटम, वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंटेन 2 एटम, इस टाइप से। अब टोटल वेट ये है मतलब 12 ग्राम, हर एटम का वेट 16 है, वैसे हर कार्बन एटम का वेट कितना है 1.99 × 10⁻²⁷ ग्राम। तो नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम कार्बन में कितने एटम्स हो गए, तो क्या करोगे आप 12 डिवाइडेड बाय 1.99 × 10⁻²⁰ ग्राम। और ये जो कैलकुलेशन करोगे तो आंसर आता है 6.022 × 10⁻²³ एटम्स पर मोल, मतलब हर मोल में एक मोल की वैल्यू कितनी होगी। तो कोई भी सब्सटेंस हो, कोई भी गैस हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, कोई भी, याद रखे पर मोल ही स्टैंडर्ड है। 6.022 × 10⁻²³ एटम्स पर मोल, तो कोई भी सब्सटेंस में। तो मोल का मतलब ये भी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, इट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन 6.022 × 10⁻²³ नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ आयंस। मॉलिक्यूल्स भी हो सकते, आयंस भी हो सकते, या एटम्स, कोई भी सब्सटेंस हो, वन मोल की वैल्यू क्या है, उसमें वन मोल में कितने रहेंगे। जैसे H2 वन मोल वाटर में कितने H2 मॉलिक्यूल्स रहेंगे, तो वन मोल ऑफ वाटर कंटेन 6.022 × 10⁻²³ एटम्स। तो स्टैंडर्ड वैल्यू याद रखना है आपको हर बार, वन मोल का मतलब क्या होता, तो वन मोल इज इक्वल टू वन मोल ऑफ CO2 कंटेन, वन मोल ऑफ CO2 कंटेन वेट कितना पूछा, एक मोल का वेट कितना रहेगा, तो सीधा आप क्या करोगे उसका मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कार्बन का 12 है, ऑक्सीजन का 32 है, तो कितना होगा 44 ग्राम इज इक्वल टू वन मोल। यानी उसका अगर किसी ने पूछा आपको एक मोल का वेट कितना होता है, तो सीधा सीधा है वो सब्सटेंस का, एटम भी हो सकता, मॉलिक्यूल भी हो सकता, कंपाउंड भी हो सकता, उसका मॉलिक्यूलर वेट जितना आएगा उतना वेट, उतना ग्राम का मतलब होता है वन मोल। अगर क्वेश्चन ये पूछा उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे, पार्टिकल का मतलब एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, या आयंस भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, उसमें कितने है? तो सीधा क्या करोगे एक मोल में 6.0 स्टैंडर्ड वैल्यू पर मोल। जब भी आप कोई भी रिएक्शन लिखते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, देखो जैसे अब जो रिएक्शन मैंने बताया Cl2+H2 दैट गिव्स HCl, इन टर्म्स ऑफ वेट पूछा है तो आप क्या करोगे H2 का मॉलिक्यूलर वेट 2 ग्राम है, Cl2 का 70 ग्राम है, HCl का दोनों के टोटल करके जो भी आएगा Cl का 35.5, H का 1 और मतलब 36.5 कितना होता है 72। तो HCl का वेट कितना है 72 ग्राम, इसका वेट 70 ग्राम, Cl2 का, H2 का वेट 2 ग्राम। अगर वेट पूछे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछे, यानी इसमें H2 के मॉलिक्यूल्स कितने हो गए, तो एक ही मोल है, तो मतलब 6.022 × 10⁻²³। इसमें Cl2 के मॉलिक्यूल कितने 6.022 × 10⁻²³, लेकिन HCl के मॉलिक्यूल कितने, तो ये पूछे तो आप 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 मोल्स है, 1 मोल नहीं, 1 मोल की वैल्यू इतनी होती है, तो 2 मोल्स की उसको 2 से सीधा सीधा मल्टीप्लाई करो जो आएगा आंसर। तो अगर किसी ने आपको पूछा रिएक्शन लिखा रहेगा तो उसमें कितने मॉलिक्यूल्स या कितने एटम्स प्रेजेंट है, तो क्या करोगे आप जो भी रिएक्शन में कोएफिशिएंट रहेगा उसको, वन रहेगा तो उतने रहेंगे, कोएफिशिएंट रहेगा उसको ये नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो स्टैंडर्ड वैल्यू याद रखो, वन मोल इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट, या एटम होगा तो एटॉमिक वेट, एंड दैट इक्वल टू 6.022 × 10⁻²³ एटम्स होते हैं कोई भी सब्सटेंस के एक मोल में, तो उसी को आपको कंसिडर करना है। तो जब भी कभी कोई रिएक्शन लिखा होता है तो दैट इज ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, और एक मोल का मतलब होता 6.0 राउंड ऑफ करके 6.022 × 10⁻²³ पार्टिकल्स होते हैं एक मोल, फिर एटम रहा तो उतने एटम्स होंगे,
मॉलिक्यूल रहा तो उतने मॉलिक्यूल्स रहेंगे, या आयंस रहे तो उतने आयंस रहेंगे, या इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो उतने इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो ये परमानेंट, ये नंबर याद रखो 6.022×10^23 एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर आयंस और इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ वन मोल ऑफ सब्सटेंस। एंड देन सेकंड पार्ट है मोलर मास। अब मोलर मास इसके पहले हो गया था आपका मॉलिक्यूलर मास। मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास में ज्यादा जो डिफरेंस है वो ज्यादा नहीं है, सीधा सीधा है। मोलर मास मॉलिक्यूलर मास सम ऑफ द टोटल एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। और इसमें भी सीधा सीधा है। अब मॉलिक्यूलर मास का मतलब वन मोल, जो अभी ऑलरेडी मैंने बता दिया है। तो एक मोल द मास ऑफ वन मोल ऑफ सब्सटेंस और मॉलिक्यूलर मास से एटॉमिक मास ऑफ AMU या U में लिखते थे यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। बस इसमें सिंपल इतना याद रखो ग्राम में। द मास ऑफ वन मोल ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम, द मास ऑफ वन मोल ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम, एक मोल सब्सटेंस का जितना भी मास रहेगा, जैसे Cl2 यहाँ पे कोएफिशिएंट वन है वन मोल Cl2 का कितना आएगा 70 ग्राम। सीधा सीधा हाइड्रोजन, वन मोल हाइड्रोजन का मास कितना आता है 2 ग्राम, एक हाइड्रोजन का वन है, दो हाइड्रोजन इसमें प्रेजेंट है। ऑक्सीजन O2, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, तो मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा 16, दो ऑक्सीजन है तो इज इक्वल टू 32 ग्राम। ये सब जो भाई ग्राम में लिख रहा हो दैट इज द मोलर मास। तो मास ऑफ वन मोल ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम इज कॉल्ड एज इट्स मोलर मास। तो सेम इन केस ऑफ एलिमेंट्स, अगर एलिमेंट्स का आप सोच रहे कोई भी एलिमेंट्स हो, कार्बन हाइड्रोजन, तो उसमें मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास में ज्यादा फर्क नहीं। हाइड्रोजन अगर मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास क्या फर्क है? हाइड्रोजन का मोलर मास जो मॉलिक्यूलर मास जो था कितना 1U या 1 AMU एटॉमिक मास यू लिखे या मीनिंग एक ही, और तो इसका कितना है 1 ग्राम, बस इतना डिफरेंस है, 1 ग्राम लिखना है और यहाँ पे 1U। या कार्बन 12 ग्राम और 12U या AMU, या ऑक्सीजन 16 ग्राम या 16U, बस उतना डिफरेंस है। मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस यूनिट थोड़ा सा अलग है यू, और ये मोलर मास में आप यूज कर सकते हैं ग्राम। तो मास ऑफ वन मोल ऑफ मोलर मास इज द मास ऑफ वन मोल ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम इज कॉल्ड एज इट्स मोलर मास। सिमिलर इन केस ऑफ कंपाउंड्स का लिखना है, कंपाउंड्स का जैसे कोई भी एग्जांपल ले लो, H2O का मॉलिक्यूलर मास था 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन 16+2, आप लिखते थे 18U या 18 और AMU लिखो या यू लिखो, मतलब एक ही है। और इसमें मोलर मास कितना होगा, बस 18 ग्राम, क्या डिफरेंस है, यूनिट चेंज करो बाकी मीनिंग एक ही है। तो ये है मोलर मास। एंड जो लास्ट टॉपिक बचा है मोल्स एंड गैसेस, तो लास्ट टॉपिक जो है मोल्स एंड गैसेस। मोल्स एंड गैसेस में क्या करना है, उसमें थोड़ा सा एक सिंपल याद रखना है परमानेंट, आपको ये भी इंपॉर्टेंट है गैसेस के लिए स्पेशली मोल्स एंड गैसेस, क्योंकि पता है आपको मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट इन गैस स्टेट, मैक्सिमम जो मॉलिक्यूल्स होते हो, और आपको ये भी पता है गैस के लिए उसका आप मास डिटरमाइन कर नहीं सकते, बहुत डिफिकल्ट होता है, उसके पार्टिकल की पोजीशन फिक्स नहीं होती है। एंड देयरफॉर इन इंस्टेड ऑफ मास तो आपको मेजर करना पड़ेगा उसका वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। जब भी अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स डिटरमाइन करना रहा गैसेस के लिए, तो मास के जगह पे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा उसके उसका वॉल्यूम। तो वन मोल ऑफ गैस फॉर ऑल द गैसेस द वन मोल गैस की वैल्यू कॉन्स्टेंट होती है, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ वन मोल ऑफ गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। प्रेशर मतलब 1 atm, टेम्परेचर 0°C। कोई भी गैस का वॉल्यूम की वैल्यू, कोई भी गैस हो उसके वॉल्यूम की वैल्यू ऑलवेज फिक्स्ड होती है, दैट इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड वॉल्यूम 22.4 dm³ या लीटर। तो दैट इज अ मास वॉल्यूम ऑफ वन मोल ऑफ गैस इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। कोई भी गैस हो, अगर वो गैस वन मोल है, तो वन मोल ऑफ गैस कोई भी गैस का वन मोल इज इक्वल टू
22.4 डीएम क्यूब, ठीक है, वन मोल ऑफ गैस इज इक्वल टू। और अगर कैलकुलेट करना है, जैसे नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू, नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू अगर सॉलिड या लिक्विड फॉर्म की कैलकुलेट करना है तो आप लिखते थे फार्मूला मास अपॉन मोलर मास, ये फॉर्मूला याद रखो, मास को मोलर मास से डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ मोल्स मिलेंगे, ये सॉलिड या लिक्विड की। लेकिन गैस के लिए वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन द स्टैंडर्ड वॉल्यूम ऑफ वन मोल ऑफ गैस, और वन मोल की वैल्यू कितनी होती है 22.4, मतलब कॉन्स्टेंट 22.4 डीएम क्यूब। यानी जो भी गैस का वॉल्यूम, अगर गैस के लिए नंबर ऑफ मोल्स आपको अगर निकलना है तो सीधा सीधा एक परमानेंट फार्मूला याद रखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दैट गैस डिवाइडेड बाय 22.4 डीएम क्यूब। तो ये वॉल्यूम की वैल्यू किसके, हर गैस के एक मोल का जो वॉल्यूम होता है दैट इज 22.4 डीएम क्यूब। यहाँ पे दो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स फॉर सॉलिड या लिक्विड के लिए, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मास अपॉन मोलर मास, मास को मोलर मास से डिवाइड करो, और अगर वॉल्यूम के लिए इन टर्म फॉर गैसेस के लिए अगर नंबर ऑफ मोल्स निकलना है तो वॉल्यूम ऑफ दैट गैस अपॉन 22.4 डीएम क्यूब।